सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश प्रीमियर लीग कौन बनेगा चैंपियन? मोहम्मद आमिर बमकाबला शुएब मलिक। वीडियो में मजीद आगे बढ़ेंगे मगर मजीद तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले हफ्ते रिवायत तमाम दोस्तों से एक ही दरख्वास्त कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन फौरन आपको मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, अगर आपने लाइव स्ट्रीमिंग देखनी है तो आप जी टीवी पर लाइव स्ट्रीम देख सकते हो। इसके अलावा आप यूट्यूब पर भी सर्च करके वहां से भी आपको लाइव स्ट्रीम मिल जाएगी। और इसके भी अलावा अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग देखनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर विजिट करके लाइव स्ट्रीम देख सकते हो। राजशाही रॉयल्स और खुलना टाइगर के दरमियान सातवें बांग्लादेशी प्रीमियर लीग का फाइनल मैच कल जुम्मे को खेला जाएगा। मैच नाइट होगा और शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ढाका में खेला जाएगा। राजशाही रॉयल्स की टीम आंद्रे रसल की जेरे क्यादत में मैदान में उतरेगी। टीम के दीगर अहम खिलाड़ियों में पाकिस्तान के शुएब मलिक और मोहम्मद इरफान भी शामिल है। खुलना टाइगर्स की कमान बांग्लादेशी क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम को सौंपी गई है। पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर भी खुलना टाइगर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लीग में 7 टीमों ने शिरकत की। दिफाई चैंपियन कोमेला वारियर्स लीग में टाइटल का दिफा करने में नाकाम हो चुकी है। लीग के फाइनल में कामयाबी के लिए दोनों फाइनलिस्ट टीमों के कप्तानों ने बयान दिए हैं और तवक्को की जा रही है कि लीग के फाइनल में दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला सख्त और कांटेदार होगा। तो दोस्त ये थी बांग्लादेश प्रीमियर लीग के फाइनल के हवाले से कुछ अपडेट, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है कि मोहम्मद आमिर अपनी टीम को कामयाबी दिला पाएंगे या नहीं, या बाजी शुएब मलिक और उसकी टीम ले जाएगी? इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दें।